दोस्तों, पूरी दुनिया की नज़र अगर आज किसी एक सवाल पे है या एक चीज़ पे टिकी हुई है तो वो ये है कि ये जो कोरोना वायरस से फैली बीमारी है, इसकी जो वैक्सीन है या जो टीका है वो कब तक बनकर तैयार होगा। तो आज हम रैशनल इंडिया में इसी चीज़ की पड़ताल करेंगे कि ये कब तैयार होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि WHO ने कहा है कि इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो वैक्सीन बना रहे हैं उसमें लगभग 12 से 18 महीने यानी कि 1 से 1.5 साल लग सकता है। अब 12 से 18 महीने यानी कि 1 से 1.5 साल एक जो लंबा समय है उसके पीछे WHO ने इतना लंबा समय क्यों मांगा है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो अगर इतने 12 से 18 महीने के समय में भी अगर ये वैक्सीन बन के तैयार हो गई तो अभी तक के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से सबसे फास्ट बनने वाली वैक्सीन है। तो इतनी जल्दी बनाने के पीछे वैज्ञानिकों का जो कॉन्फिडेंस, उसके पीछे क्या वजह है। तो यहाँ पर हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जो कोरोना वायरस है की जो फैमिली है उसमें बहुत सारे वायरस होते हैं और इस कोरोना वायरस की फैमिली ने इंसानों पर पहले भी 2 बार अटैक किया है। जो पहला अटैक था वो जो 2002 में उन्होंने वो जो सार्स बीमारी के रूप में हुआ था और 2012 में मर्स नाम की बीमारी से हुआ था। तो दोनों ही केसेस में वैज्ञानिकों ने उस समय भी टीका बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो जो उस समय बीमारी थी अपने आप ही कुछ समय के बाद ख़त्म हो गई थी। तो इस वजह से वो जो टीका बनाने का काम है वहीं पर रुक गया था। लेकिन जो भी वहाँ पर जो प्रोग्रेस हुई थी कोरोना वायरस के ऊपर, वो अभी वैज्ञानिक उसको इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आपने नोट किया होगा, इस वायरस का जो नाम है वो SARS-CoV-2 रखा गया है। तो SARS-CoV-2 इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो 70 से 80% जो जेनेटिक मटेरियल है वो वायरस से मिलता है। तो जो उन्होंने सार्स पे स्टडी करी है तो उन्होंने यहाँ पे एक एडवांटेज मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही ये बीमारी चाइना से फैली है और दूसरी जगह, तो चाइना ने एक अच्छा काम यहाँ पे ये किया है कि उन्होंने 10 जनवरी को ही इस जो नए वायरस का जो जेनेटिक सीक्वेंस है, एक तरह से जो उसका ब्लूप्रिंट है, वो पूरी दुनिया के सामने रख दिया ताकि वैज्ञानिक उसको लेकर उससे काम कर सके। तो इस वजह से काफ़ी जल्दी उस पर काम शुरू हो गया था। इस समय दुनिया में लगभग 70 जगह इस वैक्सीन को बनाने के लिए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें अलग अलग सरकारें, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं वो सभी लगी हुई हैं। और इनमें से 4-5 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या है? क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये है कि यहाँ पर इंसानों के ऊपर प्रयोग शुरू हो चुके हैं, जो कि पहले जानवरों पर होते हैं लेकिन बाद में इंसानों पे हो रहे। तो यहाँ पे इंसानों के स्टेज में इसको पहुँचा दिया गया है। ऐसे 5 प्रोजेक्ट चले हुए हैं अब। लेकिन ये जो यहाँ पे कोई भी वैक्सीन बनाते समय 3 नियमों का पालन करना होता है। तो पहला नियम ये होता है कि वो वैक्सीन सुरक्षित हो यानी कि वो कोई नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा कि ये इफेक्टिव हो, कि जिस बीमारी के लिए लगाई गई है उस बीमारी को रोकने में सक्षम हो। तीसरा कि ये जो फायदा पहुंचाए और जो इससे होने वाले साइड इफेक्ट है, तो जो फायदे हैं वो नुकसान से ज़्यादा हो। तो इन्हीं तीनों नियमों का पालन करने के लिए ये जो क्लिनिकल ट्रायल बनाए गए हैं, जो उसमें उसमें 4 फेजेस होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो उसमें पहला चरण ये होता है कि ये जो वैक्सीन है ये सुरक्षित है। इसके लिए क्या किया जाता है कि 40-50 जो बिल्कुल स्वस्थ लोग हैं उनके ऊपर वो वैक्सीन मतलब इस्तेमाल की जाती है, लगाई जाती है। और 2-3 महीनों तक ये या उससे ज़्यादा समय तक भी उन पर ये देखा जाता है कि उनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। तो इससे ये हो जाता है कि ये जो वैक्सीन जो है, कैंडिडेट है वैक्सीन, ये सेफ है। दूसरा कि ये काम करती है। इसके लिए जब ये पहला फेज पार हो जाता है तो दूसरे फेज में 500 से लेके 1000 लोगों तक के ये ट्रायल किया जाता है। और उसमें भी 2-3 चीज़ें देखी जाती है कि कितनी डोज देनी पड़ती है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता, और जिन लोगों को लगाई गई है उससे उस बीमारी का बचाव हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे और भी डाटा मिलता है और इसमें भी कई महीने गुजर जाते हैं। अब उसके बाद जब 2 स्टेज पार हो जाते हैं तो आती है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या होता है कि जो ये जो वैक्सीन है फिर ये हजारों लोगों पर लगाई जाती है और लंबी स्टडी होती है, दुनिया के अलग अलग कोनों में भी लगाई जाती है, अलग अलग तरह के एज ग्रुप में भी लगाई जाती है, और एक बड़ा सैंपल साइज होता है उसको स्टडी करने के लिए। तो जो वैक्सीन इन तीनों फेजेस को पार कर लेती है तो वो अप्लाई कर सकती है लाइसेंस के लिए, कि मार्केट में आने के लिए वो दवाई मार्केट में, अगर उसको लाइसेंस मिल गया, अप्रूवल मिल गया, तो वो आ जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो अभी तक
जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर पहले या सेकंड फेज में ही है, जो जिसमें थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है वो भी अभी पहली या सेकंड स्टेज में ही है। और यहाँ पे एक एडिशनल बात ये और बता देते हैं कि नॉर्मल केस में एक फोर्थ फेज भी होता है। उसमें क्या होता है कि कंपनी ने दवाई बना दी, बाज़ार में भी उतार दी, और बाज़ार में उतारने के बाद भी कंपनी इस चीज़ का ध्यान रखती है कि जहाँ जहाँ ये दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं क्या वहीं पर कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, या कोई हमारी जो दवाई है उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम तो नहीं हो गई। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये फेजेस बनाए गए हैं, और ये कई कई महीनों के लिए भी होते हैं, सालों के लिए होते हैं, कि क्या हम यहाँ पर एक शॉर्टकट ले सकते हैं? तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ऐसा ही एक केस हुआ था फिलीपींस में, वहाँ पे जैसे डेंगू बुखार काफ़ी फैल रहा था, तो वहाँ पर भी सनोफी नाम की एक कंपनी ने डेंगू के लिए एक वैक्सीन तैयार करी थी, और वहाँ पर इलेक्शन का साल चल रहा था, तो वहाँ पे सरकार ने और जो उस कंपनी ने जल्दी कुछ जो इसके पूरी तरह से ट्रायल नहीं होने के बावजूद भी मार्केट में उतार दिया। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो जो वैक्सीन है जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, लगभग 8 लाख बच्चों को लगाई गई, और उसके बाद वहाँ पर 800 के आसपास बच्चों की डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो ये फेजेस बनाए गए हैं बहुत ही ध्यान से बनाए गए हैं, इसलिए इनका पालन करना ज़रूरी है। और पहली बात यह है कि जो ये वैक्सीन है ये स्वस्थ लोगों को लगती है, जो वैक्सीन है वो बीमार आदमी को नहीं लगती, वो स्वस्थ लोगों को लगती है। तो वो जो वैक्सीन हम स्वस्थ लोगों को लगा रहे हैं तो ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि वो सेफ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इसमें कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते? तो दोस्तों ऐसा है कि कई जगह ये जो रिसर्च का काम है ये पैरेलल रूप से चल रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, तो कई जगह क्या किया कि पैरेलल रूप में भी चलाया हुआ है। और इसके अलावा जो रेगुलेटरी नियम्स है उसमें भी थोड़ी बहुत ढिलाई दी गई है कि ताकि इसका काम जल्दी से हो सके। और यहाँ पर एक सैपी नाम की संस्था है जो 2017 में दावोस में बनाई गई थी, जिसका काम था कि ऐसा महामारी की ऐसे कंडीशन हो जाए तो उसके लिए जो हम वैक्सीन बनाएंगे उसका काम थोड़ा आसानी से हो सके। तो ये जो सेपी है ये दुनिया भर की सरकार और जो ये है प्राइवेट संगठन है, एनजीओ है, कंपनीज है, उनको साथ मिलाकर रिसर्च करने को और उसको बढ़ावा देने का काम करती है। तो इसने इस जो COVID-19 है अभी जो बीमारी है उसको मिटाने के लिए भी एक फंड तैयार करने की घोषणा करी है, और उसने टारगेट रखा $2 बिलियन। और खुशी की बात यह है कि इसने उसमें से $750 मिलियन जुटा भी लिए हैं, और इस तरह से वो जो प्रोजेक्ट्स कुछ अच्छा प्रॉमिस दिखा रहे हैं, जो आगे लग रहा है कि कुछ अच्छा करेंगे, तो वो उनको फंड भी मुहैया करा रखी है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए, जब तक दुनिया के सारे जो रिसर्च अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, अगर वो अपना पर्सनल फ़ायदा देख कर अगर मिलकर काम करें और जो भी उन्होंने अपना जो भी प्रोग्रेस की है उन प्रोग्रेस को मिलके एक दूसरे से शेयर करें और एक दूसरे को बताएं ट्रांसपेरेंट तरीके से और एक दूसरे की मदद करें तो ये काम थोड़ा जल्दी हो सकता है। दोस्तों सिर्फ वैक्सीन बन जाने से ही काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया भर के देशों को और दुनिया भर के लोगों को इस वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें एक केस याद आता है कि जो H1N1 का जो वैक्सीन बनी थी 2009-10 के आसपास, तो उस समय भी जो वैक्सीन बनी थी तो वो जो अमीर देश थे उन्होंने वो जो वैक्सीन बनी थी तो वो खरीद ली थी, और जो जहाँ पे गरीब देश थे जहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ के देश इसे खरीद नहीं पाए थे। तो जब ये वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी तो किसको पहले मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो इसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों काम करेंगे। यहाँ पर जो UK है उसने वहाँ की जो फ्लू पेंडेमिक के बारे में जो गाइडलाइंस बनाई थी तो उसकी गाइडलाइंस का हम थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं। उसमें क्या था कि सबसे पहले जो वैक्सीन बन जाएगी एक देश के अंदर तो सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर हैं जो इससे लड़ रहे हैं उनको ये जो वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके बाद जो कि खतरे में है जो ग्रुप जिनको आशंका ज़्यादा होने की, जैसे जो बीमार आदमी है, बूढ़े हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो उनको लगाई जाए। तो इसी तरह इसकी भी दुनिया भर में कैसे बनने के बाद किस तरह से होगी तो उसके लिए भी गाइडलाइंस बननी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अब 1-1.5 साल तक क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जो वैज्ञानिक है वो एक स्ट्रेटजी अपना रखी है कि स्ट्रेटजी ये है कि जब तक वैक्सीन बनेगी उतना टाइम लगेगा ही, तब तक जो हम लॉकडाउन के जरिए या अन्य कई सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए इस बीमारी के फैलाव को हम रोक रहे हैं। और जो वैज्ञानिक है एक दूसरा मतलब कि जो जिनको ये इन्फेक्शन हो चुका है, जो
जिनके साथ सीरियस सिम्टम है उनका इलाज कैसे करें, जिसको इन्फेक्शन हो गया उसको कैसे ट्रीट करें, तो उसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट, अलग अलग लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट, अलग अलग मेथड्स अपना के ट्रायल कर रहे हैं कि कौन सा जो ट्रायल है और कौन सी जो ड्रग्स हैं, जैसे कई ड्रग्स का नाम आया सामने, कि उनमें से कौन सी ड्रग जो है कि जो सिम्टम है जो इसके असर इस बीमारी को थोड़ा सा कम कर सके, तो उस पर भी लगातार प्रयास चल रहा है। और जब वैक्सीन आएगी तब तो इस बीमारी को मिटाने में एक बड़ा कारगर कदम साबित होगी। तो दोस्तों अब देखना ये है कि यहाँ पे जो इंसानों का जो मतलब लालच है या फिर कोई जो पॉलिटिक्स है वो हावी रहेगी या पर यहाँ पर मानवता हावी होगी। तो यहाँ पे हमें सब चाहिए कि सभी देश मिलकर, सभी वैज्ञानिक मिलकर एक वैक्सीन बनाए और सबको वो मिले और कि कुछ जो गरीब देश है उनको भी मिले। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपके मन में भी वैक्सीन से जुड़े हुए और इस बीमारी से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले जो वीडियो है उनसे आप जुड़ सके। धन्यवाद।